नमस्कार। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनू सूद किस कदर लोगों की मदद कर रही हैं, ये आज के टाइम में हर कोई जानता है। एक्टर के नेक कामों की आम लोगों से लेकर जानी मानी हस्तियां तारीफ कर चुकी हैं। किसी ने एक्टर के लिए मंदिर बनवाया तो कोई मीलों दूर चलकर एक्टर से मिलने तक आ गया। सोनू सूद आज कई लोगों के लिए आदर्श बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग एक्टर का नाम खराब करने से बाज नहीं आते। अब सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार ने सोनू के खिलाफ मुकदमा किया है, लेकिन क्या वाकई में ये खबर सच है या फिर सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही फेक खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सोनू सूद की मास्क पहने ट्रेन के बाहर एक तस्वीर के साथ पोस्ट वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक्टर पर मोदी सरकार ने मुकदमा किया है। दावा है कि मोदी सरकार ने सोनू से सवाल किया कि आखिर उनके पास इतनी सारी वैक्सीन कहां से आई। वहीं एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो वायरल पोस्ट के साथ किया जा रहा दावा झूठा है। मोदी सरकार ने सोनू पर कोई मुकदमा नहीं किया। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और डिलीवरी संबंधी एक मामले में सोनू की भूमिका पर जांच जारी है। फेसबुक पेज आओ मिलकर देश बचाएं ने यह पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा, मोदी सरकार ने किया सोनू सूद पर मुकदमा, कहा इतने वैक्सीन तुम्हारे पास कहां से आए, अब देश के अच्छे काम करने वालों को कीमत चुकानी पड़ती है। एक लीडिंग वेबसाइट ने वायरल पोस्ट की पड़ताल करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट पर कीवर्ड्स की मदद से सर्च किया, जिसमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें मोदी सरकार की ओर से सोनू सूद पर मुकदमा चलाने की बात कही गई हो। हालांकि 17 जून को पब्लिश हुई खबरों में ये जरूर बताया गया कि सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा था। बॉम्बे हाईकोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर के कथित अवैध वितरण के संबंध में विधायक जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया है। वहीं वायरल हो रही खबर के बारे में जानने के लिए जब सोनू सूद की पीआर टीम से संपर्क किया गया, पीआर टीम के एक सदस्य ने यह साफ किया कि मोदी सरकार ने सोनू पर कोई मुकदमा नहीं चलाया है, वायरल पोस्ट में किया गया दावा सही नहीं है। वहीं वायरल हो रही ये तस्वीर पिछले साल जून के महीने की है, जब सोनू ने यूपी और बिहार के 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को घर लौटने में मदद की थी। बताते चले ये पहली बार नहीं जब सोनू सूद को लेकर कोई फेक खबर वायरल हुई हो। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि एक्टर ने अपने बेटे को 3 करोड़ की कार गिफ्ट की है, हालांकि बाद में खुद एक्टर ने इस खबर को झूठा बताया।